और दिल्ली से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कल सुबह कोरोना टेस्ट होगा। केजरीवाल के गले में दर्द है और उन्हें हल्का बुखार भी है और कल से ही केजरीवाल की तबीयत खराब है। कल केजरीवाल का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने खुद को घर में फिलहाल आइसोलेट कर लिया है। गले में दर्द थी, उसके अलावा कुछ तबीयत भी उनकी खराब थी, लिहाजा उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। इस बारे में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का क्या कहना है, आइए सुन लेते। जैसा मैंने पहले बताया था, मुख्यमंत्री जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको थोड़ा फीवर है और उनके गले में कफ है, जो हम इसको भी सीरियसली लेके चल रहे हैं। उनका कल कोरोना का टेस्ट होना है, इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने अपने आप को आइसोलेट किया है। अभी वो कल से कोई मीटिंग भी नहीं कर रहे हैं इस मीटिंग के लिए, लेकिन क्योंकि कोरोना का स्प्रेड बढ़ रहा है और अगर कल एसडीएम में ये तय होता है कि ये कम्युनिटी स्प्रेड है तो पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी बदलेगी दिल्ली सरकार की, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये मीटिंग कल की जानी चाहिए और उन्होंने दिल्ली सरकार की ओर से मुझे ऑथराइज किया है उस मीटिंग में शामिल होने के लिए। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि ये मीटिंग हो और इसमें पूरी तरह से एक्सपर्ट्स के साथ में चर्चा होकर दिल्ली पे ये रहे। तो कल की मीटिंग में मुख्यमंत्री जी शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन मीटिंग होगी एसडीएमए की और उस पर एक्सपर्ट्स के साथ में चर्चा होगी। और अगर ये होता है कि कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है, अगर एसडीएमए में बैठ के एक्सपर्ट्स की राय से ये तय होता है, तो फिर पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी दिल्ली में कोरोना से लड़ने के लिए बदलनी होगी, उस पर चर्चा होगी। तो आपने मनीष सिसोदिया को सुना। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद को घर में आइसोलेट किया है। उन्हें कल गले में दर्द थी, उसके अलावा हल्का हल्का बुखार था, गले में खराश भी थी, लिहाजा उन्होंने अपने आप को घर में आइसोलेट कर दिया। और जो जानकारी मिल रही है, कल उनका कोरोना टेस्ट होगा, जिसके बारे में मनीष सिसोदिया भी बता रहे थे। तबियत खराब होते ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद को आइसोलेट कर लिया है, अपनी तमाम मीटिंग्स को रद्द कर दिया है। दिल्ली से भास्कर मिश्रा की यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल से हल्का बुखार है, गले में खराश है। बताया ये जा रहा है कि कल सुबह में कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। एहतियात के तौर पे वो आइसोलेशन में हैं, किसी से मिलजुल नहीं रहे, लेकिन मुख्यमंत्री होने के नाते इस पूरे कोरोना काल में जिस तरह की उनकी जिम्मेदारी है, उस हिसाब से तमाम एहतियात बरतने के बावजूद भी कई मीटिंग्स होती हैं। अगर पिछले दो दिन की ही बात करें तो दो बार कैबिनेट की बैठक हुई है, यहाँ पे तमाम अधिकारियों का लगातार यहाँ पे आना जाना होता है। हालांकि ये कोशिश जरूर रहती है सीएम और उनके स्टाफ के द्वारा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन किया जाए, हाइजीन मेंटेन रहे पूरे इस इलाके में, और साथ में जो मीटिंग्स होती हैं उसमें लोगों से ना मिले। लेकिन उसके बावजूद भी सैकड़ों लोग ऐसे होते हैं जो मीटिंग के लिए आते हैं, तमाम अधिकारी होते हैं, उनके साथ मिलना पूरे राजधानी दिल्ली में कोरोना से निपटने की रणनीति बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लिहाजा ये बहुत जरूरी है कि सीएम ठीक हों, स्वस्थ रहें, और उनके साथ साथ जो तमाम वो अधिकारी जिनके ऊपर में ये जिम्मेदारी है कि इस संकट के काल में पूरे दिल्ली वाली को अच्छी सुविधा मिले, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जो बताया जा रहा है, जो जानकारी दी जा रही है सीएम के टीम के द्वारा, वो ये कि तबीयत उनकी ठीक है, कल से माइल्ड फीवर है और गले में खराश है। कल एक बार टेस्ट हो जाए, उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा क्या स्थिति है। लेकिन उससे पहले ही जो पहले से ही एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे थे, उसको और एक स्टेप आगे बढ़ा के आइसोलेशन में, कह सकते हैं सेल्फ आइसोलेशन में अभी सीएम अरविंद केजरीवाल हैं।